बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 14 है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स आर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यानी डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड है हमारे पास 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो है 6। हमने दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करना है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड्स गिवन है, वेक्टर गिवन नहीं है। तो यानी ए डॉट बी, मैंने खुद से नाम रख लिए दोनों वेक्टर्स के, ए डॉट बी, और इसकी मैग्नीट्यूड 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 गिवन है। इस तरह से अगर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए और उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट की जाए, तो ये जो बार है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये 6 है। तो हमने ए और बी के दरमियान एंगल मालूम करना है। अब यहां पे दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका फार्मूला है ए डॉट बी विच इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये जो ए बी है हमारे पास, ए डॉट बी, इसकी वैल्यू गिवन है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास है ए बी साइन ऑफ थीटा, और ए बी, ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड हमारे पास गिवन है वो है 6। तो इसकी जगह पे 6 पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के ऊपर डिवाइड कर देता हूं। तो ये आ गया ए बी साइन ऑफ थीटा, और बटे के नीचे आ गया ए बी कॉस ऑफ थीटा, और इसी तरह से 6 यहाँ पे डिवाइडेड बाय 6 के रूट ऑफ 3 आ गया। तो ए बी से कैंसल, और इसी तरह से साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टेन ऑफ थीटा के इक्वल होता है, और यहां से टेन राइट साइड पे जाके टेन इनवर्स हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, और टेन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो 30 डिग्री के इक्वल होता है। तो वो दो एंगल वेक्टर्स जिनका डॉट प्रोडक्ट 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो 6 है, उन दोनों एंगल के दरमियान, वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा।